नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो आज हम रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स में रिलीज हुई नई हॉलीवुड मूवी जिसका नाम है आर्मी ऑफ द डेड। और जैसे कि सब जानते हो कि जैक सिंडर का नया मूवी है, तो एक तो एंटिसिपेशन बन ही जाता है ट्रेलर देखने के बाद कि बहुत खास कुछ देखने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों, ये जो कहानी है, ये कहानी को पहले बताया जा रहा था कि ये डाउन ऑफ द डेड जो जैक सिंडर का जो मतलब एकदम डेब्यू टाइम का जो फिल्म है 2004 में, जिसको एक्चुअली जो फिल्म जैक सिंडर को मतलब लोगों तक पहुंचाया था, तो उस फिल्म का जो है वो सिक्वल है। तो दोस्तों पहले बता दूं, ये उसका सिक्वल तो है ही नहीं, सिर्फ नाम में थोड़ा बहुत आपका बोल सकते हो सिमिलरिटी है, बाकी और किसी में भी कुछ सिमिलरिटी है नहीं। दूसरी बात जो है कि इस फिल्म को 2007-08 के टाइम में ये फिल्म मतलब वार्नर ब्रदर्स जो है इसको प्रोड्यूस करने वाली थी, और जैक सिंडर ने खुद इसका जो कहानी है उसको लिखी है और इसको खुद वो डायरेक्ट भी करने वाले थे। तो बेसिकली उस समय से इसका जो स्टोरी है वो चल रहा था, लेकिन फाइनली इसको उतना मतलब उसमें इंटरेस्ट जो है वो वार्नर ब्रदर्स का थोड़ा खत्म हो गया और उसने प्रोजेक्ट जो है वो ड्रॉप कर दिया। और वहीं से जो है नेटफ्लिक्स ने उस प्रोजेक्ट को टेक ओवर किया था 2019 में, और उसके बाद कास्टिंग और उसके बाद फिल्मिंग जो है वो की गई है। तो देखिए, ये जो वार्नर ब्रदर्स छोड़ के जाने का जो रीजंस है और उसका जो रिफ्लेक्शन है, इसका अगर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन आप देखिएगा, क्यों मैं बोल रहा हूं, क्योंकि यूएस में ये इसका जो है एक हफ्ता पहले इसका इंग्लिश वर्जन जो है वो रिलीज हो चुकी थी, और उसमें जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है वो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन थोड़ा बिलो पार है। और उसके पीछे कारण क्या है वो मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा इस वीडियो के अंदर में, साथ ही आपको रिव्यू भी करूंगा इस पर्टिकुलर मूवी का। तो पहले आपको बता दूं कि देखिए, ये जो है बेसिकली एक ज़ॉम्बी मूवी और एक मनी हेस्ट जो है, ये दोनों को एक साथ क्लब किया गया है। तो आखिर तक ये जो क्लबिंग जो है, इसका जो कल्मिनेशन है वो कैसा रंग लाया है डायरेक्टर ने, वो कितना वो सफल है इस चीज को करने में, तो वही बेसिकली इस मूवी का जो है कैच पॉइंट जो है वही है। तो देखिए, पहली जो है कि स्टीव जो बेसिकली बतिस्ता जो अपने रेसलर जो है बतिस्ता, वो इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, और उनका जो एक टीम है वो टीम बेसिकली एक मनी हेस्ट जो है, एक कैसिनो के अंदर में एक बड़ा सा वॉल्ट है जहां पे बहुत सारा पैसा है, तो उस पैसे को लूटने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जहां पे वो कैसिनो जो है वो बेसिकली एक शहर है, बेसिकली लास वेगस है, और वो शहर पूरा ज़ॉम्बी से घिर गया है। तो अब आपको अगर अंदर में जाना है तो आपको ज़ॉम्बी के साथ फाइट भी करना है और आपको पैसा भी चुराना है। तो ये बेसिकली कहानी है। तो कहानी में तो कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहानी काफी इंटरेस्टिंग है, सब ठीक है, लेकिन इसमें जो सब प्लॉट्स बनाए गए हैं वो सब प्लॉट्स बहुत कमजोर है। फर्स्ट जो मैं कहना चाहूंगा कि दिखाया जा रहा है कि शहर के बाहर एक डिटेंशन कैंप है, जो बेसिकली नॉट इन्फेक्टेड जो पॉपुलेशन है शहर के, उनको बाहर में लाके रखा गया है, और उसी में जो है हुमा कुरैशी, अपने बॉलीवुड के स्टार आप जानते हो कि हुमा कुरैशी वहीं पे जो है डिटेंशन कैंप के अंदर है, और वहां से वो भाग निकलती है। अब उसका जो कहानी है, इस कहानी के साथ मतलब बेसिकली वो कुछ संबंध रखता ही नहीं है, इस मनी हेस्ट के साथ इसका कोई संपर्क नहीं है, तो इसके साथ उसको जुड़ दिया गया है, जो बेसिकली कोई काम का है ही नहीं। तो ऐसे ही बहुत सारा सब प्लॉट्स है यहाँ पे। जो बतिस्ता का जो मतलब बेसिकली उसका जो बैकग्राउंड है, उसका लड़की है, उसका जो फैमिली है, उसका स्टोरी है, ये थोड़ा बहुत जो है थोड़ा कहानी को मतलब ड्रैग करती है, कहानी को थोड़ा स्लो करती है। और एक चीज जो मैं बताऊंगा कि बतिस्ता का जो टीम है, वो टीम जो फॉर्मेशन, देखिए फास्ट एंड फ्यूरियस में हम लोग देखे हैं बहुत सारा चीज ऐसे, मैंने बहुत सारा फिल्म में देखे हैं जहां पे एक हेस्ट के लिए एक टीम बनाया जाता है, और टीम के हर मेंबर का सिलेक्शन के पीछे एक रीजन होता है, उसका एक बैकग्राउंड होता है, और दर्शकों के साथ उसका एक इमोशनल जो बॉन्ड है वो बॉन्ड को क्रिएट किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है मतलब वो जो टीम बना वो 10 मिनट के अंदर में टीम बन गई कि इसको ले लो, इसको ले लो, इसको ले लो, बस खत्म। एक इतना बड़ा हेस्ट हो रहा है, इतना बड़ा एक मतलब मिशन के लिए ये लोग जा रहे हैं, तो उसका जो बैकग्राउंड है, उसका प्रिपरेशन है, उसमें कोई टाइम दिया नहीं गया है। दूसरी चीज जो है कि मतलब आपको यहाँ पे जो मतलब आप जो हेस्ट के लिए जा रहे हो, मतलब जो मतलब ज़ॉम्बीज आपको रोक रहे हैं, तो वो ज़ॉम्बीज का ओरिजिन क्या है, उसको सिर्फ एक सीन के अंदर में दिखाया गया है कि ट्रक के अंदर में ज़ॉम्बीज को कहीं पे ट्रांसफर किया जा रहा था, वो ज़ॉम्बीज वहां से निकल भागे और सारे आर्मीज को मार दिया, और मारने के बाद शहर को जो है वो कब्जा कर लिया। बस इसके अलावा और कुछ नहीं दिखाया गया, और वो पोर्शन काफी कम है, मतलब एकदम 5-7 मिनट के अंदर में वो खत्म हो जाती है। अब वहां पे एक ज़ॉम्बी का किंग आ गया, उसका एक क्वीन आ गया, उनका एक होने वाला बच्चा आ गया, तो ये सब कहानी का कोई बिल्डअप नहीं है, कहां से ये लोग आए, कहां से मतलब जुड़ गए कहानी में, इसका कोई आपको ठीक ठिकाना कुछ आपको पता नहीं चलेगा था, पता नहीं चलेगा, एज इफ लगेगा कि ये आप कोई दूसरा फिल्म का जो है सेकेंड पार्ट देख रहे हो, कि फर्स्ट पार्ट में शायद ये सब दिखा दे, मतलब पीपल्स आर गेटिंग कंफ्यूज, गूगल में बहुत लोग सर्च कर रहे हैं यू नो sequel of any other movie, तो ऐसा गूगल में लिख के लोग सर्च कर रहे हैं, तो दैट डाउट्स इज बीइंग क्रिएटेड बिकॉज वो कंक्लूसिव है नहीं।
और एक चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि देखो ये जो मतलब इसका साउंड जो है, मेकअप जो है, कॉस्ट्यूम्स जो है, ये सब चीज आपको डेफिनेटली अच्छे लगने वाले हैं, बिकॉज ये हम लोग इसको देख के मतलब ये सब देखने में आधी नहीं है। जैसे ज़ॉम्बी टाइगर हो गया, ये सब चीज हम लोग देख के ऐसे ही बच्चे लोग के आए के ताली बजाएंगे, अरे बाप रे ऐसे तो कभी देखा नहीं है, ऐसा तो कभी नहीं देखा है हमने फिल्म में कि ज़ॉम्बी का टाइगर हो गया, ज़ॉम्बी जैसे यार। तो लेकिन उसके पीछे मतलब उसको छोड़ के अगर वो मैं चमक जो है उसको मैं हटा दूं, तो कहानी में जो दम है वो कहानी में कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ा सा जो है वो गैप रह गया है। और इसी के कारण मैं इस फिल्म को कभी भी मैं बहुत ही बढ़िया मूवी ऐसा नहीं बोल सकता हूँ, जैक सेंडर के लेवल का मूवी ये है ही नहीं। बेसिकली अगर आप मुझे रेट करने के लिए बोले, मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 out of 5 मैं रेट करूँगा, उतना कुछ है नहीं। और उस वो भी मतलब मान लीजिए जो मतलब दूसरा सारा चीज़ होता है स्पेशल इफेक्ट्स वगैरह जो कुछ भी है वो भी ऐसा दिल दहलाने वाला कुछ आपको दिखेगा नहीं। मतलब या फिर ज़ॉम्बी अटैक्स जो कर रहे हैं, मतलब बेसिकली वो ज़ॉम्बीज जो घूम रहे हैं इधर उधर, दे आर बेसिकली मेकिंग नो सेंस। मतलब उसको पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है, राइट? मतलब उसको सिर्फ एक आदमी बोल रहा है, उसके पीछे वो भाग रहा है। तो ऐसा ही है, मतलब कहानी कहीं पे खो जाती है। और आखिर में एक छोटा सा ट्विस्ट जो है जैक्सन डिल्स की फिल्मों में होती है कि ट्विस्ट रखा जाता है, और यहाँ पे जो ट्विस्ट रखा गया है बेसिकली इसका जो और एक पार्ट इसका बनाने का कोई एक प्लानिंग है कि दूसरा कोई शहर है जहाँ पे ये पहुँच जाते हैं और ज़ॉम्बीज दूसरा कोई शहर में कोई दूसरा कहानी जो है वो तैयार करते हैं। लेकिन मुझे वो उतना खास लगा नहीं कि इसका मतलब इसके बाद इसको लेके बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट कुछ लोगों में रहेगा बाकी के दूसरा ये पार्ट इसका देखना पसंद करेंगे। तो मेरे लिए एक एवरेज सा मूवी है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसको तुरंत देख लीजिए। अगर देख चुके हो तो कृपया मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको लगा कैसा है। और अगर मेरे चैनल में आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।